Dear students, welcomes to you all. उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल जमनीपुर, विकासखंड विकासनगर से जनपद देहरादून से आपका पुनः स्वागत करता हूँ. बच्चों, हम लास्ट सेशन में क्लास सिक्स की अंग्रेजी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे लेसन सिक्स हु आई एम. उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट को समाप्त करने के पश्चात हम उसी लेसन का पार्ट सेकंड आज पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत जो हम गतिविधि करते हैं आनंदम की माइंडफुल एक्टिविटी, उसके तहत हम उसको सभी बच्चे जो है मेरे साथ उस एक्टिविटी को एक बार पुनः दोहराएंगे. क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए शांत चित्त एकाग्र होकर अपने आसपास सराउंडिंग्स की जो साउंड्स हैं उन साउंड्स पर ध्यान देते हुए, उन्हें पहचानते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आउट, पुनः एक बार सांस भरते हुए आंखें बंद की स्थिति में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इनहेल, वंस मोर इन योर ब्रीथिंग, फिर सांस को छोड़ते हुए नाउ ओपन योर आइज. सभी बच्चे अपनी आंखें खोलेंगे. तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा फील किया होगा और एक मन मस्तिष्क में हमारे तरोताजा का एक एहसास होने लगा होगा. और हम बात करते हैं हनीसकल क्लास सिक्स अंग्रेजी में. जैसे हम लास्ट सेशन में बात की थी हु आई एम, और उसके पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी कि जो बच्चे हैं कैरेक्टर्स उसमें हैं, राधा है, डोलमा है, नासिर है, समीर है, सब्रजीत है, वो जो है किस प्रकार की उनकी जिज्ञासाएं हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, वो क्या उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो हमने उनके बारे में जाना. और पार्ट फर्स्ट में हमने उस लेसन की एक्सरसाइज भी की है. और इसी हु आई एम का जो ये पार्ट सेकंड है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. तो चलते हैं हम एक बार स्मार्ट बोर्ड की तरफ. बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में जो हमारा लेसन सिक्स्थ का जो पहला पार्ट था उसमें हमने बातचीत की है, और उसमें हमने जो है ये जानने की कोशिश की थी कि राधा, नासिर, रोहित, सब्रजीत, डोलमा और पीटर, ये जो बच्चे हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, और वो क्या उन्हें अच्छा लगता है, हमने उस लास्ट पार्ट फर्स्ट में ये जानने की कोशिश की है. और उस पर आधारित हमने जो है एक्सरसाइज भी किए हैं. अब उसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है, पार्ट सेकंड, आइए हम इस पर जो है एक बार फिर अपना ध्यान सब लोगों का, सब बच्चे ध्यान देंगे. पार्ट सेकंड, मल्टीपल इंटेलिजेंसी. मल्टीपल माने बहु तरह की, बहु है ना, डिफरेंट. मल्टीपल इंटेलिजेंसी माने योग्यताएं, प्रतिभा. तो अब हमने सब जानते हैं कि आप भी देखते होंगे कि हर बच्चे को कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ एक काम बहुत अच्छा लगता है. किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर में भी कार्टून में भी बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को स्टोरी अच्छी लगती हैं, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को कंप्यूटर अच्छा लगता है. हर ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग. ईच वन ऑफ अस माने हम में से प्रत्येक जो है स्किल्ड और गुड एट समथिंग. स्किल्ड माने होता है बिल्कुल परफेक्ट, दक्ष, कि हम में से हर कोई जो है किसी न किसी काम में क्या है, अच्छा है, या जिसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है. बट डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट डिफरेंट पीपुल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज.
क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है कि हर अलग व्यक्ति जो है उसके अंदर जो है तरह अलग अलग तरह की क्या होती हैं, इंटेलिजेंट होती है, यानी इनकी जो है एक योग्यताएं होती हैं। अब वो कैसे हमको कैसे पहचानते हैं, इसके लिए हमने जो इंटेलिजेंसी है, जो उसकी योग्यता है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको कैटेगराइज किया है यहाँ पर राइटर ने। पहला है विजुअल इंटेलिजेंसी, उसके बाद जो है मेन कैटेगरी, दूसरा है वर्बल इंटेलिजेंसी और तीसरा है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल इंटेलिजेंसी। विजुअल मीन्स होता है दृश्य, देख करके, देखना। तब अब जिनको जो है किसी चीज को देखना पसंद आता है, विजुअल जो लोग ज्यादा करते हैं, जिनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंसी जिनको होती है, तो वो जो है क्या लाइक करते हैं, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स। अगर आपको तस्वीर दिखाई जाए या आप कोई तस्वीर देखते हैं उसके बारे में सोचना, इस पर रंग किस तरह से रखा गया है, इसकी जो है आकृति कैसी बनाई गई है, ये पिक्चर क्या संदेश दे रही है, इस पिक्चर में और क्या क्या जो है हमें एक टीच या हमें क्या क्या शिक्षाएं दे रही हैं। थिंक इन पिक्चर्स, पिक्चर के बारे में सोचना। क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स, क्रिएट माने होता है पैदा करना, मेंटल इमेजेस माने हम अपनी एक इमेज बना देते हैं, एक हमारी जो एक तस्वीर बनती है किसी चीज को याद करने के लिए। मगर मुझे कहा जाएगा कि भाई ट्रेन है ना, तो ट्रेन की इमेज जो है, जिस बच्चे ने ट्रेन नहीं देखेगी, नहीं देखी होगी, उसके मन मस्तिष्क में ट्रेन की इमेज कुछ और बनेगी। जिस ट्रेन देखेगा तो वो ट्रेन की इमेज तो बना रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में जो है ट्रेन की जो एक जैसे एसी है, एसी है या जनरल कोच का है या कैसे बोगीज हैं, ये उसकी इमेज की मस्तिष्क में बनती है। तो क्रिएट मेंटल इमेज, रिमेम्बर थिंग्स, यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, आनंद आता है अगर आपको जो है इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, माने मानचित्र। आप देखते ना कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें जो डिफरेंट टाइप के जो है मैप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन मैप होते हैं, कुछ राजनीतिक मैप होते हैं, कुछ जो है वेदर मैप्स होते हैं, है नहीं, कुछ फिजिकल मैप्स होते हैं। तो यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, आपको मैप में देखना अच्छा लगता है, चार्ट देखना लगता है। कई बच्चों को जो है चार्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं, चार्ट में, चार्ट भी अपने आप में जो है क्या होते हैं, एक डाटा हमें जो है उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा ना जैसे कई जो है चार्ट्स होते हैं कि भाई इस सन में कौन कौन से जो है युद्ध लड़े गए, उस किस के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया, ये सारी जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है बहुत सारे जो हमारे पास क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तस्वीर होती हैं, वीडियोज होते हैं, वीडियोज है ना, एंड मूवीज। तो अगर आप जो है यू, अगर आपकी पसंद है ये क्या चीज, थिंक पिक्चर्स के बारे में सोचना, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स, यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज एंड मूवीज, देन यू आर गुड एट, तब आप एक बहुत अच्छे क्या है, पजल बिल्डिंग्स, पजल्स जो समस्या वाली जो एक्टिविटी होती है, इस तरह की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बनाने में, उनको सॉल्व करने में, रीडिंग पढ़ने में, राइटिंग लिखने में, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और ग्राफ्स, मैप्स और चार्ट्स की समझ, ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शनों की सेंस माने डायरेक्शन, दिशाओं की समझ। आपने देखा हो ना कि कई बच्चों को हम कह देते हैं कि भाई बताइए, माना हमारे पास है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में जो है हमारे पास है इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप पे हम अक्सर कहते हैं कि बताइए इसके नॉर्थ के स्टेट कौन कौन से हैं, साउथ के स्टेट कौन कौन से हैं, ईस्ट में कौन सा स्टेट है, सेंटर में कौन सा स्टेट है भारत के। तो इससे क्या होता है कि जिसको मैप देखना बहुत बेहतर अच्छा लगता है, जो मैप देखने में अच्छे होते हैं, तो उसे जो है सेंस ऑफ डायरेक्शन की भी समझ हो जाती है। स्केचिंग, स्केच करना, यानी रेखा की रेखा, रेखा रेखन करना, किसी चीज का स्केच बनाना, पेंटिंग, चित्रकारी करना, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को जो है फिक्स करना या बनाना, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, जैसे मैंने पहले बात की थी कि पिक्चर पर अपनी समझ करना, पिक्चर हर कोई देखता है, तस्वीर हर कोई देखता है, लेकिन वो तस्वीर क्या कह रही है, उस तस्वीर का उद्देश्य क्या है, वो जो है हर बच्चे की समझ अपने अपनी तरह से विकसित होती है और उस पर जो अपनी अपनी समझ बनाता है, लेकिन वो पिक्चर देखने का नजरिया क्या है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, तो देन यू कैन बिकम ए, अगर हमारी रुचि इसमें है और हम इसमें अच्छे हैं तो यू कैन बिकम ए नेविगेटर। नेविगेटर जैसे हमने बताया कि नाविक, सेलर है ना, आपने देखा होगा ना कि जो पानी में जो नाव चला रहा है दैट इज कॉल्ड नेविगेटर। स्कल्प्टर है ना, स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्तिकार, जो मूर्ति को तराशता है। आर्टिस्ट, चित्रकार, इन्वेंटर मतलब खोजी, अन्वेषक। आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट माने होता है जो घर के जो बिल्डिंग या जो सनी जो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, पर्सन हु प्लेन्स डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, तो उसे कहते हैं वास्तुकार, आर्किटेक्ट। इंटीरियर डिजाइनर, यानी जो इंटीरियर, जो घर के अंदर जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन होता है, आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। मैकेनिक इंजीनियर, आप मैकेनिक इंजीनियर भी बन सकते हैं अगर
क्या कर सकते, अगर हमें जो है लाइक क्या है, थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज। अब चलते हैं, ये तो बात की हमने विजुअल इंटेलिजेंसी की, दूसरी हम बात करते हैं वर्बल इंटेलिजेंसी। अब वर्बल इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं? वर्बल इंटेलिजेंसी माने बातचीत के माध्यम से बोल करके, अगर आप यू लाइक टू पसंद है यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, शब्दों को और वाक्यों को प्रयोग करना। आपने देखो ना, कई लोग जो है जब बातचीत करते हैं, एक जनरली गॉसिप भी करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे शब्दों का या मुहावरे का या लोकोक्तियों का जो है, फ्रेजेस एंड जो है इडियम्स का प्रयोग भी करते हैं। तो पसंद अगर यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, शब्द और वाक्यों का प्रयोग करना। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर हम देख रहे हैं उस पिक्चर को आप जो है शब्दों से बहुत बढ़िया उसको वाक्य वाक्य के माध्यम से आप बता पाते हो। यू स्पीक वेल माने बहुत अच्छा बोलते हो, एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, यानी पिक्चर जो पिक्चर हम देख रहे हैं उस पिक्चर्स को बारे में बहुत बढ़िया कह देते हो शब्दों के माध्यम से, देन यू आर गुड एट, इसके मतलब अच्छे हैं किसमें, स्पीकिंग माने वक्ता के रूप में बोलने में। देखे ना, बहुत अच्छे जो है जब कभी डिबेट होती है, जब कोई जो है हम वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं या भाषण स्पीच होती है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बढ़िया प्रखर वक्ता होते हैं, तो स्पीकिंग, तो ये स्किल उन्हीं के अंदर हो सकता है जो यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज और स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स। तो यू आर गुड एट स्पीकिंग में, बोलने में, राइटिंग मीन्स लिखने में, स्टोरी टेलिंग माने कहानी बताने में, है ना। कई लोग बड़े अच्छे ढंग से कहानी को कह जाते हैं, स्टोरी टेलिंग जिसे बोलते हैं, और लिसनिंग सुनने में कोई बहुत अच्छे जो है श्रोता भी होते हैं। कई लोग जो है किसी चीज को सुनते हैं, आधा सुनते हैं, बीच में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी बात को पूरा सुन करके तब जो है रिएक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं बहुत अच्छा लिसनिंग। तो ये स्किल है, स्पीकिंग भी एक स्किल है, राइटिंग भी एक स्किल है, स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल है, लिसनिंग भी एक स्किल है, ये सब क्या है, एक योग्यता है पर्टिकुलर। स्पेलिंग, टीचिंग, टीचिंग माने पढ़ना पढ़ाना, यूजिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के समझ को विकसित करना कि ये शब्द यहाँ पर क्या कह रहा है, इस शब्द का मायने क्या है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को याद करना, है ना। बहुत सारे जब जो हम चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में चाहे हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं या गद्यांश पढ़ रहे हैं, या हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, पोएट्री पढ़ रहे हैं या पोएम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो उस पोएट्री में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उनको बेहतर ढंग से अगर उसको रिमेम्बर कर रहा हूँ, याद करता हूँ, कन्विंसिंग सम वन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देन यू कैन बिकम ए पोएट। पोएट माने होता है कवि, आप बहुत बढ़िया कवि बन सकते हैं, यू कैन बी ए पोएट। जर्नलिस्ट, पत्रकार, आप बहुत सुंदर जो है आप बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, यू नो जर्नलिस्ट, हुई जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट उसे कहते हैं जो कि आप देखिए चाहे हमारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अगर हम लोकल न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जैसे अमर उजाला है ना, आपके घर में दैनिक जागरण कोई एक पेपर आता होगा, हिंदुस्तान एक पेपर आता होगा, या इंग्लिश के जो भी पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, है ना, दीज आर द डिफरेंट टाइप डेली न्यूज़पेपर्स। तो इसमें जो लिखने वाले होते हैं, जो एडिटर होता है, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो आप जो है वो जर्नलिस्ट का काम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो यू कैन बिकम ए जर्नलिस्ट, पत्रकार, राइटर, लेखक, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी वॉल्यूम लिखे जाते हैं, ये जो वही व्यक्ति या वही एक स्किल होता है कि जो बहुत बढ़िया जो है वर्ड्स को लैंग्वेज को जो है लिख सकता है। टीचर, अध्यापक बन सकते हैं, लॉयर, लॉयर का हमने बताया कानून, है ना, लॉयर माने वकील, वकील होता है, तो लॉयर बन सकते हैं। पॉलिटिशियन, राजनीति, आपने देखा हो कि जो भी हमारे आसपास अगर हम देखें, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हों, चाहे वो एमएलएज हों, जितने भी पॉलिटिशियन हमारे देश में हैं, हमारे लोकल में हैं, तो वो जो है बहुत अच्छी उनकी जो है भाषा पर, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, उनकी इतनी अच्छी पकड़ होती है। तो अगर हमारे अंदर भी जो है ऐसी गुड है, अगर हम भी ये अगर ऐसा अच्छा कर सोचते हैं, तो पॉलिटिशियन आप बन सकते हैं। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर माने होता है अनुवाद करना, किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। माना जो है हिंदी का पैराग्राफ है, मुझे उसको अंग्रेजी में बनाना है, तो हम कहते हैं ना ट्रांसलेट इनटू दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, या ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। तो जो किसी भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर, यानी अनुवादक। तो आप जो है अगर वेरेबल इंटेलिजेंसी आपके अंदर है और वेटलेंसी में आपके जो है इंटरेस्ट इस फील्ड में, जैसे यहाँ पर बताया गया कैटेगरी के माध्यम से, तो आप जो है बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। तीसरा है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। तो मैथमेटिकल माने गणितीय इंटेलिजेंसी। यू लाइक टू, क्या अगर आपको पसंद है, यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स,
नंबर्स संख्याओं पर लॉजिक तर्क रीजनिंग है ना, अगर आप रीजनिंग समझ पर या तर्क पर या संख्याओं पर आपकी जो है अच्छा लगता है उसका प्रयोग करते हैं, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, और हमेशा अपने आसपास के बारे में अराउंड अराउंड अस कि हमारे आसपास विश्व में जो है क्या हो रहा है इसको जानने के लिए जो है आप बहुत उत्सुक रहते हैं। यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछना अच्छा लगता है, जैसे बोलते हैं जिज्ञासा। सर में जब कई बच्चे क्लास में ऐसे भी आप में से हैं कि पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे को किसी प्रश्न पर या किसी शब्द पर कोई जिज्ञासा होती है, तो अगर यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट माने होते हैं प्रयोग करना है ना, विज्ञान ने जो भी नए आविष्कार इजाद किए हैं, विज्ञान ने जो भी नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोई एक नया जो है क्या बना है, एक नया आविष्कार हुआ है ना। तो आविष्कार कब होता है, जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रयोग होते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही जो है एक नया आविष्कार एक नई खोज होती है। तो यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, आपको बहुत प्रश्न पूछना और जो है बहुत सारे प्रयोग करना अगर अच्छा लगता है, तब यू आर गुड एट, तब आप अच्छे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं के समाधान करने में या उनका निदान करने में, प्रॉब्लम समस्याएं सॉल्विंग माने समाधान करने में, हल करने में, सॉल्विंग पजल्स, जैसे बताया ना कि पजल्स मैथ की भी होती हैं, अंग्रेजी की भी होती हैं कि बीच में कौन सा वर्ड आएगा या इस अंक के बाद बीच में दो अंक हैं, बीच में एक अंक मिस कर दिया और अगला अंक फिर जो है कौन सा अंक आएगा, तो इस तरह की जो पजल्स होती हैं, पजल्स को सॉल्व करने में जो गणितीय जो मानसिक तर्क वाले खेल होते हैं, सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग माने प्रयोग करने में, क्वेश्चनिंग एंड वॉन्डरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हैं हमारे आसपास है, बादल का कड़कना है ना, बिजली का चमकना, हवा का तेज चलना, ये बहुत सारी जो इवेंट्स होती हैं, जो नेचुरल इवेंट्स, जो प्राकृतिक इवेंट्स होते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक हम बात करते हैं है ना, हम बात करते हैं जैसे एक सुनामी जो ये भी क्लाइमेटी है उसके बारे में अगर बात करें, तो अगर हम जो है नेचुरल इवेंट्स पे हम जब इसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमारी जिज्ञासा है ना, और आप कैलकुलेशंस माने, कैलकुलेशन माने होता है किसी समस्या को हल करना, गणित के जो है सवाल होते हैं वो कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं है ना, जब आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप, और ज्योमेट्रिक माने होती है ज्यामितीय आकृतियां, जिसमें हमें ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया है ना, तो ये इस प्रकार के जो भी ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं, आकृतियां होती हैं, आप इसमें अगर बहुत अच्छे हैं कैलकुलेशन में, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप में, देन यू कैन बिकम ए, तब आप क्या है बहुत अच्छे बन सकते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है ना, आप एक विज्ञान, जिसको विज्ञान में रुचि होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में जिसको महारत हासिल होगी, और लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने पहले भी ऊपर बात की थी कि अगर जिसको जो है प्रयोग, नए नए प्रयोग करने में आनंद आता है, तो वो जो है एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर है ना, यांत्रिक, आप देखिए जो पुल वाले होते हैं, जो घर बनाते हैं है ना, ये सारे के सारे क्या है, इंजीनियर है, वहां भी कहीं ना कहीं मैथ्स काम करती है, वहां भी कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, और कंप्यूटर प्रोग्रामर आप देखें कंप्यूटर में जो नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, जो वेबसाइट बनती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से बनती हैं, तो तभी निश्चित है जब हमारा जो है इंटरेस्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्विंग पजल्स में भी एक इंटरेस्ट हो, रिसर्चर्स, अन्वेषक, शोधकर्ता, अकाउंटेंट है ना, उसके बाद जो है मैथमेटिशियन और गणितज्ञ। तो जो मैथमेटिकल जो हम बात कर रहे थे अभी कि जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है, तो इसमें सीधे अगर हमारा इसमें रुझान है या हमारे इसमें इंटरेस्ट है, तो यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन। आगे चलते हैं, बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट देयर आर मेनी अदर्स टू, रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ intelligence best describes you. Remember that there will probably be more than one type of intelligence fits you. मतलब यहाँ पर कहने का सही है कि अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप में इनमें से भी जो है बहुत सारी जो डिस्कशन दिए गए यहाँ पर इंटेलिजेंस की, एक और एक से अधिक भी जो है इंटेलिजेंस आपके अंदर हो सकती हैं, तो देखते हैं कि आपके बीच में कौन सी इंटेलिजेंस आप पर फिट होती है। आगे चलते हैं, बॉडली इंटेलिजेंस शारीरिक के रूप में, यहाँ पर अगर यू लाइक टू क्या कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, स्किलफुली
अगर आप बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अक्स के साथ आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हो मूवमेंट करने में, देखे ना कोई बच्चे जिमनास्ट बहुत अच्छे जिमनास्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी पीटी कर लेते हैं, बहुत अच्छे गेम्स खेल लेते हैं, इट मीन्स यू हैव गुड कंट्रोल ऑन हर ऑन हिज बॉडी, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, और आपको जो है बैलेंस अपनी बॉडी का बहुत अच्छा जो है बैलेंस संतुलन बना सकते हो एंड कैच और हिट ए बॉल वेल। देखा ना कई बच्चे जो है क्रिकेट में जो है बहुत बढ़िया जो है बैट्समैन होते हैं, कोई बहुत अच्छे बॉलर होते हैं, कोई बहुत अच्छे फील्डर होते हैं, तो यू लाइक टू मूव अराउंड द व्हाइल लर्निंग, लेकिन आप जो है इधर भी घूम रहे उधर भी घूम रहे लेकिन आप जो है कुछ ना कुछ जो है अपने आसपास के वातावरण से यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग। जब आप सीख रहे हैं उसके बाद भी आप जो कहीं ना कहीं जो है अपने कई बच्चे होते हैं ना चलते चलते टीवी भी चल रहा है और पिक्चर भी देख रहे हैं लेकिन जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही बात कर रहा है यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग, जब आप जो सीख रहे होते हैं तो यू आर गुड एट, तो जब हम बॉडली इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो यू आर गुड एट डांसिंग, डांस माने होता है नाचना, डांसिंग में फिजिकल कोऑर्डिनेशन है ना जो शारीरिक संतुलन होता है उसमें, स्पोर्ट्स खेल में, खेल में क्राफ्ट शिल्प में, एक्टिंग अभिनय, देखा हो ना कि कई जो है किसी बच्चे को एक बार कहने से बहुत बढ़िया एक्टिंग कर जाता है, बहुत बड़े अभिनय करता है, और किसी को बार बार बोलने के बाद जो है वो जो है अभिनय नहीं कर पाता है, तो पर इफ यू आर ए गुड एट डांसिंग फिजिकल है ना कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स में क्राफ्ट में एक्टिंग में मीमिंग में, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, आप अपने हाथों का जो है किसी नए चीज को क्रिएट करने में बनाने में अगर आप बहुत बढ़िया ढंग से उसका यूज करते हो, यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी, देन यू कैन बिकम ए डांसर, एक बहुत अच्छे जो है क्या बन सकते हैं आप, डांसर बन सकते हैं, नृत्य बन सकते, नृत्यकार बन सकते हैं, एथलीट खेल जो भी एथलीट हो गया स्पोर्ट्समैन जिसे हम कह सकते हैं बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर पीट जो आप देखते होंगे हमारे हर सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में जो है कहीं ना कहीं जो है एक पीटीए फिजिकल एजुकेशन टीचर भी होता है, तो अगर आपके अंदर ये एफिशिएंसी और आपका रुझान इस तरफ है तो आप जो है बहुत अच्छे जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं, अभिनेता भी बन सकते हैं, फाइट फाइटर बन सकते हैं और क्राफ्ट पर्सन भी बन सकते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अगर हमारे अंदर ये सारा अगर हम जो है जो बॉडली इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अगर हम जो है डांसिंग फिजिकल कोऑर्डिनेशन में स्पोर्ट्स में क्राफ्ट्स में एक्टिंग में मीमिंग में यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट बिल्ड में अगर ये हमारे अंदर जो है हमारे जो है अगर इस प्रति जो है इसमें अच्छे हैं तो हम निश्चित रूप से जो है डांस में एथलीट में फिजिकल एजुकेशन टीचर आइटिंग फायर फाइटर और कार्ड्स पर्सन में हम बहुत बेहतर जो है क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप आगे और चलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो अगर हमको प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, अगर मुझे जो है म्यूजिक को सुनना उसके साथ एंजॉय करना, यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप जो ध्वनि सुनते हो जो ध्वनियां सुनते हो उसको गुनगुनाना, उसको आपको पैटर्न्स के बारे में जानना, यू इमिडिएटली रिस्पॉन्स टू म्यूजिक और आप म्यूजिक बहुत अच्छे ढंग से कोई रिस्पॉन्स तुरंत कर देते हैं, जो अच्छा गाना लगता है तो उस पर जो आप थिरकने भी लग जाते हैं, तो आइदर अप्रिशिएट और क्रिस्टिंग व्हाट यू हेयर, जो कुछ भी आप सुनते हैं म्यूजिक के रूप में आप उसको अच्छा या कैसे आपको लग रहा है या उसको आप जो क्रिटिसाइज करते हैं तो यू आर गुड एट, तब आप किस में अच्छे हैं सिंगिंग में माने गायककार बहुत बढ़िया सुनने में। तो बच्चों हमने अभी बात की है इस लेसन पे यहीं तक, आज का जो है यहीं पर हम पढ़ेंगे। बच्चों जैसे कि अभी हमने लेसन सिक्स्थ में हु आई एम पार्ट सेकंड में जो इंटेलिजेंसी की बात की गई थी विजुअल इंटेलिजेंसी, उसके बाद हमने बात की थी वर्बल इंटेलिजेंसी और उसके बाद बात हुई थी मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी और हमने बॉडली इंटेलिजेंसी भी बात की थी। तो ये तय करते हैं, ये इंटेलिजेंसी ये तय करती है कि अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, माना मुझे अगर पिक्चर देखने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और मुझे जो है मैप्स देखने में या चार्ट देखने में मुझे इंटरेस्ट है और मैं इसमें बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ तो निश्चित रूप से जो है मैं क्या बन सकता हूँ, नेविगेटर बन सकता हूँ, स्कल्प्टर बन सकता हूँ, ये हमने इस पर बातचीत की है। इसी प्रकार वर्बल इंटेलिजेंसी जब हम बात करते हैं तो वर्बल इंटेलिजेंसी में जो बहुत अच्छा अगर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं है ना, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने अगर कोई पिक्चर है कोई दिखाई जाती है उसे बहुत अच्छा बोल पाता हूँ तो जो है ये मेरी वर्बल इंटेलिजेंसी है। तो हमने जो है इंटेलिजेंसी के आधार पे ये तय किया है कि हमारे जो एक बनने का जो एक जो हमारे जो सपने होते हैं हम किस प्रकार जो है तय कर सकते हैं। तो बच्चों जो है इसी पार्ट को जो है हम फिर आगे कंटिन्यूस रखेंगे, तब तक के लिए जो है आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों
पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय।